सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो व्लॉग है उसके अंदर हम लोग इस रिसॉर्ट के जितने भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो उसमें से एक एक्टिविटी यहाँ पर है जो है एडवेंचर जोन, जिसके अंदर एक एप ट्रेल का कुछ है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, पूरा फॉरेस्ट स्टाइल है। तो यहाँ उसकी एंट्री है। सो अभी जस्ट हम लोग उठे और ब्रेकफास्ट हुआ है हमारा, उसके बाद जब सब लोग रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। उससे पहले थोड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी कुछ पूछना है मुझे, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो सोचा कि चलो स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ तक आई है तो जाते आते, लेकिन कल संडे है तो सोचा है कि एक्सप्रेस पास लेना पड़ेगा, और अगर नसीब अच्छा होगा तो एक्सप्रेस पास मिलेंगे, वरना स्टैचू ऑफ यूनिटी को मिस करना पड़ेगा। सो अंदर जाकर उसकी कुछ डिटेल्स मुझे इंक्वायर करनी है। अभी एक्चुअली भी बाहर वोडाफोन का टावर आ रहा है, पूरे फॉरेस्ट में एक ही जगह है जहाँ पर टावर आता है। सो अभी हम लोग यहाँ पर वापस आ गए, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी इंक्वायरी करनी है। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 1:30। सो अभी हम लोग आए लंच के लिए। सो लंच हमारा जो कल डिनर था उसके पीछे ही एक रेस्टोरेंट है, क्योंकि अभी दोपहर और यहाँ पे धूप कुछ ज़्यादा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अच्छा हम लोगों ने रेस्टोरेंट के अंदर रखा है। तो अभी लंच में भी बूफे है, लेकिन काफ़ी सारी वेराइटीज़ रखी हुई है लंच में। तो चलो चलते हैं अंदर लंच के लिए। सो गाइस, जस्ट अभी लंच ख़त्म हो गया हमारा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ गेम्स खेलने एक्टिविटी रूम में, क्योंकि यहाँ पर आए कल से तब तक कोई एक्टिविटी की नहीं हमने, स्पेशली कल से थके हुए थे। सो आज शायद से शाम को स्विमिंग भी करेंगे। ये वॉलीबॉल नेट है, अब यहाँ पर बैडमिंटन के भी रैकेट्स रखे हुए हैं, बट लेकिन अभी यहाँ पर धूप कुछ ज़्यादा ही है, तो इसीलिए हम लोग ये अभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं एक्टिविटी रूम में। ये सामने आप जो देख रहे हैं यहाँ पर है हमारा एक्टिविटी रूम। तो ये पूरा एसी वाला है, सो अच्छा है कि दोपहर के टाइम में हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, मेरे को शायद से अहमदाबाद से भी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर लग रही है, पता नहीं कितना डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्किन पूरा जल रहा है। सो इसका नाम है हैप्पी क्लब। यहाँ पर साइकिल्स भी ये लोग दे रहे हैं रेंट पे, अराउंड 200 रुपीज़ है पर आवर। इसका साइकिलिंग ट्रैक यहाँ से शुरू होता है और पूरा जो क्लब है इसके हम लोग राइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एक साइकिल है जो बहुत यूनिक है, वो है ये वाली इलेक्ट्रिक साइकिल। इसके मेरे को टायर्स काफ़ी अच्छे लगे। ये जो साइकिल है आप नहीं मानेंगे, इसके सिर्फ 20 मिनट्स का रेंट है अराउंड 350 रुपीज़, सिर्फ 20 मिनट्स। हम लोग यहाँ से लेके जाए और पूरा राउंड लगा, मतलब उसके अंदर 20 मिनट्स हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बता दिया, ये क्लब पूरा जंगल के अंदर है, ये पूरा जंगल ही जंगल है, जहाँ तक देखो जंगल ही है। तो चलते हैं क्लब के अंदर। सो ये है हैप्पी क्लब, ये है कैरम, ये है स्काई डाइविंग का वर्चुअल स्काई डाइविंग यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर एरोकी, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड गेम्स जैसे कि जेंगा, चेस एंड फूसबॉल, उसके बाद टेबल टेनिस, और मेरा पर्सनल फेवरेट है पूल टेबल। सिर्फ इतनी सारी एक्टिविटीज़ में सिर्फ ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, चार्जेबल है। इसका चार्ज है अराउंड 200 रुपीज़ फॉर हाफ आवर। सो ये है हमारा एक्टिविटी रूम। Can we talk about me and you? Can we talk about
So guys, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी स्विमिंग पूल एरिया में सभी जस्ट रेडी हो गया हूँ फॉर्मल्स होने चेंज के लिए, बिकॉज एडवेंचर के लिए जा रहे थे. एडवेंचर पार्क में तो फॉर्मल्स में मज़ा नहीं आता. सभी क्लोथ चेंज कर लिए, सब ने चेंज कर लिया एक्चुअली. तो अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं, एक के एक बाद बाहर आ रहे हैं, एक के एक सब लोग थोड़ी देर में बाहर आ रहे हैं रेडी होके. उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर करना. हमारा टाइमिंग एडवेंचर का 5:15 का स्लॉट बुक किया है. 5 बज चुके हैं, 15 मिनट और है, तब तक सबको आ जाने देते हैं. थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और उसके बाद जा रहे हम लोग एडवेंचर के लिए. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जा रहे हैं एप ट्रेल में, जो एडवेंचर प्लॉट है हमारा पूरा सामने. So, ये है हमारा प्लॉट, यहाँ से हमको सब कुछ गाइड करेंगे और यहाँ से हमारा एडवेंचर शुरू हो रहा है. So, guys, कुछ इस तरह का सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनाए हुए हैं इन लोगों ने, अभी ऐसा हेलमेट रख दिया है. सब लोग को ऐसा है कंपलसरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनाए है. अभी उसके बाद ये पूरा रजिस्ट्रेशन चल रहा है उनको कुछ गूगल फॉर्म्स पे. एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद एडवेंचर शुरू होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ऐसे बहुत कुछ यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए है. ओके, जाना है. गॉटचा. अभी यहाँ से ये एप लेके जाना है, भागना है. हमने एप को रेस्क्यू कर लिया है. ये हमारा एप है, से हेलो. इसको लेके यहाँ पे जाना है. ये थोड़ा टिपिकल है, मोबाइल के साथ चलना थोड़ा हार्ड है इसके अंदर. सो कोई बात नहीं, अब बना ही रहे ब्लॉग तो करते. इसकी ग्रिप सही नहीं है. चलो हटो सब लोग. आइयो. ये आपने तो मजा आ गया. अरे आ तो बहुत इजी है, वधर पड़ती इजी है. ये बलवा, कम ऑन मंकी शरारी बाजे. चलो गाइस, इतना तो खत्म हो गया, लेकिन और भी है. चलो अभी यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी करनी है. से ये हाय आयन. एडवेंचर खत्म हो गया. सो फाइनली कंप्लीट हो चुका है हमारा एडवेंचर. काफी एडवेंचरस था, काफी मजा भी आया, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क भी था. इसलिए ये सब नी कैप्स और वो सब कुछ पहना हुआ था. अच्छा था क्योंकि दो बार मेरा पैर फिसल गया था.
सो नीकैप्स की वजह से मैं बच गया और एडवेंचर अभी चालू ही है। लेकिन आई होप सो अगर GoPro होता ना सही में ये एडवेंचर काफ़ी अच्छे से कवर होता, क्योंकि बीच बीच के कुछ पार्ट्स है जिसमें मैं मोबाइल नहीं पकड़ सकता था। स्टिल मैंने ट्राई किया कि जितना भी मैं कवर कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ उतना मैं दिखाऊँ, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। सो इसी के साथ यहाँ पर ये एडवेंचर ख़त्म होता है। सो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जंगल सफारी में जाएंगे जो अभी शुरू होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा रेस्ट ले लेते, तो मिलते हैं थोड़े रेस्ट के बाद। सो गाइज राइट नाउ वी आर लिविंग फॉर जंगल वॉक। सो पूरा ग्रुप है यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं हम लोग साथ में, तो अराउंड उनके हिसाब से 1.5 किलोमीटर इतना जाने का है और वापस उतना आने का, तो अराउंड 3 किलोमीटर इतना हुआ। थोड़ा स्ट्रेट ही है, थोड़ा अप एंड डाउन है, तो उन्होंने बोला आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको मज़ा आएगा, तो चलो कर लेते एक्सपीरियंस, चल लेते थोड़ा। फाइनली गाइस जंगल ट्रिप वाली ख़त्म हो गई है, जंगल एडवेंचर। सो वॉकिंग काफ़ी सही था, अराउंड ऐसा बोल के ले गए थे 1.5 किलोमीटर था, लेकिन आई एम श्योर 2.5 किलोमीटर से कम नहीं था, क्योंकि बहुत चला हम लोगों ने और साथ में बहुत कुछ देखा भी है, नया सीखा भी है और काफ़ी सारी प्लांट्स और फ्रूट्स की स्पीशीज़ जानी है। मतलब मैं ऐसा कहूँगा कोई ऐसी स्पीशीज़ नहीं होगी प्लांट्स और फ्रूट्स की जो वहाँ पर ग्रो नहीं हो रही है, मतलब काफ़ी अच्छी फार्मिंग चल रही है। तो अभी हम लोग वापस यहाँ पे हैप्पी क्लब में आ गए वीआर के लिए, वर्चुअल स्काई डाइविंग के लिए। तो अभी किसी और का नंबर तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। सो गाइस अभी स्काई डाइविंग ख़त्म हो चुका है और डिनर का टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ गेम्स चल रही है, तो अभी जल्दी से बुलावा आया है, तो चलो चलते देखते हैं कैसी गेम्स हो रही है। कल मैंने गेम्स मिस कर दी थी, कल काफ़ी अच्छी गेम्स हो रही थी यहाँ पर, तो मेरे पापा ने मेरे को बोला भाई तू क्यों मिस किया, तो चलो हम लोग आ गए गेम्स खेलने के लिए। से ऐसा कुछ अभी यहाँ का नज़ारा है,